आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन, हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। बीजेपी के पार्षद बैठे नगर निगम के खिलाफ धरने पर असला क्षेत्र निवासी काफी लंबे समय से नाले की सफाई न होने की वजह से जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। नगर निगम और डीएमआरसी की लड़ाई में परेशानी अर्थला क्षेत्रवासी भुगत रहे हैं। काफी लंबे समय से इन पाइपों की सफाई न होने की वजह से बार बार अर्थला क्षेत्र के अंदर जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को निकलने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। नाले का पानी वापसी घरों में जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए अर्थला गाँव के निवासी आज धरने पर बैठ गए हैं और क्षेत्र के निवासियों का कहना है जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा वह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। उनकी समस्याओं को लेकर नगर निगम के पार्षद मनोज पाल भी उनके साथ में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिनका कहना है कि हम जब तक यह समस्या खत्म नहीं हो जाएगी हम ऐसे ही रात और दिन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। समस्या का हल हो जाएगा, मगर ऐसा अभी तक हो नहीं पाया। बार बार हम जब भी जाते हैं हमको यही कहा जाता है कि आप तारीख ले लो, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख चलती है, उसी प्रकार से यहाँ भी तारीख पे तारीख दी जा रही है हमको। हम ऑफिस के चक्कर काटते परेशान हो चुके हैं। जब आज हम सुबह से ही नगर निगम ऑफिस में पहुँचे हुए थे कि हमारी समस्या का हल करवाओ। ऐसी क्या समस्या है कि ये साल का हल नहीं हो पा रही है? कई बार बदल दे रहे हैं लेकिन ये आपकी समस्या हो पा रही। वजह जो है ना मेन ये है, रस्सी का सांप सुना होगा आपने, तो ये जो विभाग है ना ये भी रस्सी का सांप ही बना रहे हैं। यहाँ पे छोटी सी समस्या है, चीटी से भी छोटी, कि ये जो नाला है ना ये साफ नहीं हो पा रहा है अधिकारियों से। मात्र पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, देश के राजा ने ये अभियान चला रखा है, गली गली में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मगर स्वच्छ भारत अभियान गाजियाबाद में बिल्कुल नहीं चल रहा है। जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का, और उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। गाजियाबाद की जो रैंक है स्वच्छता की वो बहुत नीचे की है। मेरे कहने का मतलब ये कि इस पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 5 साल के करीब हो चुके हैं। देखो पानी ड्रेनिंग की समस्या है, पानी नहीं निकल पा रहा है कायदे से, सिर्फ इतनी सी समस्या है। अगर हम जाते हैं नगर निगम के पास तो वो हमसे बोल देते हैं कि डीएमआरसी देखेगा इस प्रोजेक्ट को, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हम डीएमआरसी के पास जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ये कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं है, ये कार्य नगर निगम के क्षेत्र में आता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर बोल फेंकने का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। जो करने की बात है काम को, वो कोई भी विभाग इस काम को करने के लिए कतई भी तैयार नहीं है। आखिरकार हमने मजबूर होकर इस धरना प्रदर्शन को अंजाम देने की सोची। इस राष्ट्रीय राजमार्ग जो सीधा दिल्ली को जा रहा है इसको पूरा वैसे जाम से व्यस्त है, तमाम तरह की एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है। इतने सारे पेशेंट हैं जिनकी हालत खराब है, कोई भी शुद्ध सफाई नहीं हो पाई। हमने कई बार रास्ता है, आप के चैम्बर बना लो सफाई, लेकिन ये नहीं आ रही इसका हाथ लगवाए। इसीलिए आज हम सारे गाँव वाले अब तक आप समस्या को लेकर किसके पास जाते हैं? मैं तमाम जितने भी सरकारी अफसर हैं राज्यपाल सब समय मिल चुका हूँ, सबको मैंने आह्वान करा दिया है। इससे एक निर्णय इतनी बड़ी समस्या हो रही है, ना तो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई घर आ रहा है, वेंटिलेटर हो पा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, इतनी परेशानी।
जाने एक चीज का रास्ता है, वो गोदाम में जाने का रास्ता नहीं। सुबह आप जो से जाने वाले इंसान बहुत परेशान हो गए, इसलिए परेशानी ज़्यादा है, इसलिए मैंने सबको अवगत करा है, लेकिन कोई सुबह को नहीं आ रहा है। आप इसका समाधान हम सब गाँव वाले निकालने के लिए ये धरना आपका कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक इसका निवारण नहीं हो जाएगा। एक दिन हो जाए, चार दिन हो जाए, दस दिन हो जाए, दो दिन हो जाए, हम जाएंगे। आप जो ना पी एम आर पी से क्या जो चाहिए, क्या उसका काम है पी एम आर पी? आधा गांव पूरा पानी से डूबा पड़ा है, सिर्फ इन चार पाइपों को आप इन पाइप को उखाड़ के खाली नाला बना दो, हमारे गांव की समस्या खत्म कर दो। हम कह रहे हैं आप बताएं।